हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। पहली तो बात कैसा है, पॉजिटिव है और ओड है। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। वेयर क्यू इज सम इंटीजर, तो जहां पे क्यू कोई इंटीजर है, तो ये हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो वो इस फॉर्म का होगा। हम यहां पे लिखते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। हम ए ले लेते हैं, ए भी यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब अगर ए पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ओड मींस जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वन रिमाइंडर आएगा, और इवन मींस अगर टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो बात ओड की तरफ आपको विशेष ध्यान रखना है, और आप देखें कि वो किस फॉर्म का है, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 का, 5 के टाइप का है। सपोज करें आपके पास 13 है, हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 10, क्लियर। तो जो हमारे पास 13 ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो हमारे पास 13 ओड पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2 + 3। तो अगर हम इसको जनरली बात करें तो 13 को मैं अगर 5 से डिवाइड करने की बात हो रही है तो हम इसको 5 × q + r, क्यू और आर बदलते रहेंगे जैसे जैसे हमारा ये जो यहां पे जो नंबर है 13 की जगह पे 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, तो ये उस हिसाब से बदलते रहेंगे, तो ये चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह से देखो 13 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया जिसकी जनरल फॉर्म ये बन रही है। अब हमारे पास ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसको हमें 6q+1 करना है। इट मीन्स ए को जब 6 से डिवाइड करें, और उसको सोल्व करें, तो यहां पे ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर है। ए कैन बी रिटन एज 6q+r। यहां पे जो r होगा वो 0 से तो ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर है उससे हमेशा लेस होता है, तो 6 से लेस होगा। ये हमारे पास आर की कंडीशन है। अब आर की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 या 5, 6 से लेस इंटीजर। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर पुट कर देंगे और उसके लिए हम सोल्व करेंगे इसको। तो कुछ ऐसे सिचुएशन है हमारे पास। ये हमने जनरली 5 के लिए एग्जाम्पल लिया पहले, तो अब क्योंकि यहां पे 6 है तो जो हमारा डिवाइजर है वो 5 नहीं है, वो हमारा 6 है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो डिवाइजर 5 नहीं है, जो डिवाइजर है वो 6 है। देखो 6q+1 जो यूक्लिड डिवीजन लेम है वो क्या कहता है कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे r जो है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा लेकिन वो b से लेस होगा। तो यही तो बात हो रही है, देखो यहां पे ऐसा ही तो फॉर्म बन रही है। तो यहां पे b की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, यानी कि हमें यह पता चल गया कि हमें b की जगह पे 6 लेना है। यहां से यह सिचुएशन क्लियर होगी कि हमें
बी की जगह पे सिक्स ले रहे हैं। लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, ये जो उसने कहा था उसको हमने ए मान लिया एंड बी इज इक्वल टू सिक्स, तो ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई कर देते हैं। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है इसमें, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट क्या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी की वैल्यू सिक्स है, सिक्स क्यू प्लस आर। इसको वन मान लिया, वेयर जो आर है वो जीरो से ग्रेटर है या उसके इक्वल है लेकिन सिक्स से लेस है, तो इसके बारे में हमने डिटेल से बेसिक में बात की थी। अब हम क्या करेंगे, जो आर की पॉसिबल वैल्यू है वो सोचेंगे कि आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमारे पास आर जो है वो इंटीजर है। अब जो हमारा ए भी पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हुआ, और आर ये भी पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो आर पॉजिटिव इंटीजर है तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हियर आर कैन टेक वैल्यूज जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो जो आर की वैल्यू है ये हो सकती है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब फोर आर इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन वन सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस जीरो यानी कि सिक्स क्यू ही बनेगा सिक्स क्यू। फोर आर इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन। फोर आर इज इक्वल टू टू, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस टू। फोर आर इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस थ्री। फोर आर इज इक्वल टू फोर, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फोर। फोर आर इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव, तो ये हो सकता है। तो इसको भी अब देखो, मैं सिक्स क्यू प्लस जीरो यानी कि इसको सिक्स क्यू भी हम लिख देते हैं, सिक्स क्यू। अब आप देखेंगे कि हमसे तो ये कहा गया था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि हमारा ए है वो या तो सिक्स क्यू प्लस वन हो सकता है इस फॉर्म का हो सकता है, या फिर सिक्स क्यू प्लस थ्री की फॉर्म का हो सकता है, या फिर सिक्स क्यू प्लस फाइव की फॉर्म का हो सकता है। अब देखो सिक्स क्यू प्लस वन आ गया, सिक्स क्यू प्लस थ्री आ गया और सिक्स क्यू प्लस फाइव आ गया, लेकिन और भी आए हैं हमारे पास, तो और कौन कौन आ गए, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस फोर, ये भी तो आ गए, ये क्यों नहीं हो सकते उसके बारे में देखते हैं। सिक्स क्यू को आप टू से डिवाइड करो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, थ्री क्यू आ गया। सिक्स क्यू प्लस टू को टू से डिवाइड करो, टू कॉमन ले दिया, थ्री क्यू प्लस वन और टू यहां से किया तो थ्री क्यू प्लस वन आ गया। सिक्स क्यू प्लस फोर को आप टू से डिवाइड करो, टू कॉमन ले लिया, थ्री क्यू प्लस टू आ गया, टू कैंसिल कर दिया तो थ्री क्यू प्लस टू हो गया। अब ये जो सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर है ये एक्चुअल में है कौन, ए, ये ए है, ये हमारे पास ए है और ए टू से डिवाइड हो गया, ए टू से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ए
इवन इंटीजर हो गया, लेकिन ए तो कैसा था, ऑड इंटीजर, तो ये तो हो ही नहीं सकते। हियर आर कैन टेक्स वैल्यू, तो आर की ये वैल्यू हो सकती थी, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ए की वैल्यूज हमें ये मिली, बट 6Q+2 एंड 6Q+4 कैन नॉट बी द वैल्यूज, कैन नॉट बी द वैल्यूज लिख दो या फिर फॉर्म लिख दो, फॉर्म किसने कहा है ना इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए, 6Q+2 और 6Q+4 ए की फॉर्म नहीं हो सकती, बिकॉज ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बिकॉज आप लिख सकते पूरा कर ले, इट इज गिवन दैट ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड 6Q+2, 6Q+4 आर इवन इंटीजर्स, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स भी लिख देंगे और दीज आर इवन, पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर या इवन इंटीजर लिख दो या इवन नंबर लिख दो। अब ये नहीं हो सकता ए, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो हमारा कैसा है ओड पॉजिटिव इंटीजर है, और ये कैसे है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है तो ये इवन है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। सो लास्ट में फाइनली जो उसने कहा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ओड भी लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर ये लिख देंगे इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 है प्रूव। तो ये हमारा जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। यहां पे शुरू में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बस आपको यह देखना है कि पहली बात उसने कही है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए ले लिया हमने, किस फॉर्म में है, 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। आप देखेंगे कि ए और बी के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम अप्लाई करते हैं, ए और बी के लिए जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, जीरो लेस होता है, आर से इक्वल भी हो सकता है और लेस होता है बी से। अब यहां पे देखिए बी की जगह पे 6 है, क्यू है और आर की जगह पे वैल्यू दे रखी है आर की, जो भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो बी की जगह पे अगर 6 आ गया तो आर की तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बन गई क्या, 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5। ये वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो ये केसेस मिलते हैं, इसमें 3 केसेस तो वो है जो हमें चाहिए है, और जो 3 केसेस बचे हैं वो ले ही नहीं सकते क्योंकि ए हमारा ओड इंटीजर है और ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 है, ये जो इंटीजर्स है या फिर ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये डिविजिबल बाय 2 है, इस वजह से ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि ए तो हमारा कैसा नंबर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नहीं हो सकते। यानी कि एक्चुअल में कौन से होंगे फिर, 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये ही फॉर्म हो सकती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। यानी बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर, आर्मी सेना की एक टुकड़ी है, सेना का एक ग्रुप है
is to march behind an army band of 32 members, army band of 32 members in a parade, एक parade में पहले army band चल रहा है, उसके पीछे पीछे जो सेना की टुकड़ी है वो चल रही है, army contingent चल रही है. The two groups are to march in the same number of columns. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? What is the maximum number of columns in which they can march? In which they can march. अब एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो आर्मी बैंड है वो 32 के 32 ऐसे शुरू में लग जाए और इसके नीचे जो आर्मी कंटिंजेंट है उसके 600 ये 32 के 32 ऐसे एक रो में लगे, हम इसको 32 मान लें थोड़ी देर के लिए, और इसके नीचे 616 है ऐसे लगा दिए इसके नीचे. एक केस ये हो सकता है कि 16 ले लिए, ये जो आर्मी बैंड के 32 मेंबर है 16 ले लिए. तो यहां पे फिर जो 616 मेंबर है वो इसके नीचे इस तरह से एक के लिए एक, ऐसे ध्यान रखना है आपको एक के लिए एक हो, तो इस तरह से 16 इनके नीचे ले लिए. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आर्मी बैंड के 8 ले लें हम, अब की बार हमने 8 ले लिए और इसके नीचे फिर आर्मी कंटिजेंट के ये ले लिया हम नीचे, इस तरह से चलता रहेगा. या फिर हम 4-4 ले सकते हैं, 1-2-3-4 इस तरह से 4-4 लेके और उसके नीचे लगा ले, या फिर 2-2 या फिर 1-1-1-1 32 तो पहले यही लेना पड़ेगा फिर उसके नीचे, इस तरह से सिचुएशन है. तो वो कह रहा है कि What is the maximum number of columns in which they can march? तो कितनी कॉलम हो सकती है, यहां पे देखो कॉलम कितनी बनी, 1-2-3 इस तरह से 32 कॉलम है, इस केस में 16 कॉलम है, इस केस में 8 कॉलम है, इस केस में 4 कॉलम है, इस केस में 2 कॉलम है और इस केस में 1 कॉलम है. लेकिन उसने क्या कहा है, यहां पे कंडीशन क्या है, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम है सेम हो. अगर ये 32 है तो यहां पे हर एक रो में 32 ही मेंबर होने चाहिए. अब 32 मेंबर तो तब होंगे जब ये 32 से डिविजिबल होगा. अगर ये 32 से डिविजिबल ही नहीं है, अगर हम इसको करें, इसको चलो एक बार समझते हैं, 616 है, 32 जाए तो 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 पे किया तो 32, यहां पे 9 आ जाएगा और यहां 5 2 रह जाएगा तो यहां पे 6 आ जाएगा. अब 32 9 पे करें तो अगर हम 9 2 18 27 9 3 27 और 1 28, तो 16 में से 8 ये 0 आ जाएगा 0. अब देखो जो इस तरह से 32 जब हम लगाएंगे तो 19 रोज तो कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन जो 28 रो होगी उसमें सिर्फ 8 आ पाएंगे, उसमें सिर्फ 8 ही आ पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही आ पाएंगे. तो इस तरह से तो कंप्लीट नहीं हुई, हर एक कॉलम में सेम होने चाहिए थे. द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्क इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो कॉलम है सेम होनी चाहिए थी, तो ये तो हो नहीं सकता, 32 तो हम ले नहीं सकते. अगर 16 में मार्च करें तो 16 में अगर मार्च करते हैं तो ये सारे 16 आने चाहिए, यहां तो ये 32 है तो 16 तो हो गया,
यहां नीचे देखते हैं 616 को जब 16 से करेंगे, 3 पे किया 48 आ गया, 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। यहां पे 16 को ये 133 है, तो ये हमारे पास 16144 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 पे अगर हम इसको करते हैं, 8 पे 128 आ जाएगा, 128 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पे इस केस में भी हमारे पास कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, यानी कि 16 की 38 लाइन तो पूरी हो जाएंगी, 38 रोज तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक रो है जो उसमें 8 रह जाएंगे, बाकी के 8 खाली रह जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहां पे हमारी 38 रोज तो पूरी हो जाएगी जब हम 16 लगाएंगे, 38 रोज तो ये पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो 39 जो लाइन होगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ पाएंगे, बाकी जो 8 है वो खाली रह जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो सेम नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद बारी आ जाती है 88 की। अगर हम 88 लें तो 616, तो इसको 8 से करें, 88 पॉसिबल है, मतलब 88 की आपके पास जो आर्मी कंटिजेंट के 616 मेंबर है उनकी नीचे 77 रोज बन जाएंगी और हमारे पास 4 रोज ये हो जाएंगे, 77 रोज तो ये होगी और 4 रोज ये होगी, तो ये 81 रोज हो जाएगी और कॉलम हो जाएंगी 8 कॉलम में मार्च करेंगे वो। अगर वो 8 कॉलम में मार्च करेंगे तो हर एक रो में, अगर वो 8 कॉलम में मार्च करेंगे तो हर एक कॉलम में जो मेंबर्स होंगे वो सेम होंगे, और कितने मेंबर होंगे, 81 मेंबर होंगे, हर एक कॉलम में 81 मेंबर होंगे, देख लो 81 मेंबर होंगे और एक कॉलम बनेगी, तो टोटल मेंबर कितने होंगे, ये होंगे 616 तो ये थे और हमारे पास 32 आर्मी बैंड के मेंबर थे, तो 648 तो पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहां पे एक बार फिर से इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, उसने कहा है कि आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो दो ग्रुप मार्च करेंगे उनकी जो कॉलम्स है, मतलब पहले वाले ग्रुप की अगर कॉलम 16 है तो दूसरे वाले की 16 बननी चाहिए, पहले वाले की अगर कॉलम 32 है तो दूसरे वाले की भी 32 होनी चाहिए, पहले वाले की अगर कॉलम 1 2 3 ऐसे, जब हम ऐसे चलते हैं तो उसको रो बोलते हैं और जब हम ऐसे चलते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं। तो पहले वाले की कॉलम अगर 8 है तो इनकी भी 8 ही बननी चाहिए, पूरे पूरे मेंबर, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब यहां से हमने चेक किया कि 8 के लिए ठीक बन रहा है, ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम पूछा था ना, 4 के लिए बेशक ठीक बनता रहे, 2 के लिए भी ठीक बनता रहे, 1 के लिए भी ठीक बनता रहे, लेकिन मैक्सिमम तो 8 ही रहेगा, 8 से ऊपर वाले के लिए तो ठीक हुई ही नहीं बात ये, तो यहां से मैक्सिमम तो 8 ही रह सकता है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे वो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं और इस तरह की स्टेटमेंट है, तो हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, सिर्फ ये छोटा सा आपको काम कर रहा है कि आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको, जो राइटिंग मेथड इसका क्या होगा, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि टोटल मेंबर्स इन आर्मी कॉन्टिंजेंट मीन्स सेना की टुकड़ी में कितने मेंबर हैं, 616 मेंबर्स, एंड टोटल मेंबर्स
टोटल मेंबर्स इन आर्मी बैंड, ये है हमारे पास 32 मेंबर्स। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्क इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सो दैट द टू ग्रुप्स विल मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स we have to find HCF of the number of member in the two groups, means HCF of 616 and 32. 616 और 32 का HCF आपको find करना है, और इसके लिए क्योंकि हम Euclid division lemma का use कर रहे हैं तो उसी का use करके हम इसका HCF find करेंगे। So by Euclid's division lemma, यहां पे हमारे पास 616 greater than 32, तो 616 के लिए हम कर लेते हैं 616, 32 वन पे किया था तो 32 आ गया था, यहां पे 9 और यहां पे 2, 6 9 पे किया था 18, 27 और 1 28, तो यहां पे हमारे पास 8 रह गए थे, ये 0 0 हो गया था। अब 8 को हमने यहां पे लिखा और 32 यहां पे लिख दिया। स्टेप 1 लिख सकते हो कि स्टेप 1 616 दैट इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 8। अब 32 के लिए 4 पे किया तो 32 ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो अब हमने 32 के लिए तो ये आ गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0। सो HCF ऑफ 616 एंड 32 दैट इज इक्वल टू 8, तो यही हमारा आंसर है। तो आप लिख सकते हो, यहां पे पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स That is equal to 8 columns होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, जिसमें आगे की तरफ जो 4 रोज होंगी वो आर्मी बैंड की होगी और पीछे जो बाकी की रोज होंगी वो किसकी होंगी? आर्मी कंटीजेंट की। वो कितनी रोज बनी थी हमारे पास? आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लें, 8 से डिवाइड करके देख लें, तो यहां से 77 आएगा ना, यानी कि 8 तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कॉलम होगी, और इस तरह से रो की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये 4 तो आर्मी बैंड के लिए होगी और इसके नीचे 77 ये आर्मी कंटिंजेंट के लिए हो जाएंगे, तो इस तरह से चलेगा ये काम। तो ये हमारे पास यानी कि ये टोटल 81 हो जाएगी, 81 ये ऐसे जो रोज होंगी 81 होगी और जो कॉलम होगी 8 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो आपसे ये भी पूछे कि फाइंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम, हर कॉलम में मेंबर बताने हैं, तो 4 तो ये थे और 77 ये थे, 81 मेंबर होंगे हर कॉलम के अंदर, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आपको क्या करना था, सिर्फ एचसीएफ, यानी कि क्वेश्चन तो आपका ये 2-3 मिनट से 5 मिनट का ही है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मीन्स इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है उसमें समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज एक बार आपको प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आ गया तो 2-3 मिनट से 5 मिनट के बीच में आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।